भोले तबीयत के सादे। जी हाँ, आप उन्हें भूले तो नहीं होंगे। ये बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी हैं। वो काफी अरसे के बाद पर्दा सीमी पर नजर आए तो अपनी हरकतों से फिर मीडिया और लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के मौके पर वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और हमेशा की तरह अनोखी मंतक पेश की। नेशनल इशू, इसीलिए मैं आया हूँ इमरान खान और फखरू भाई के साथ यकजहती का इजहार करने आए हैं। किसी के चावल में पत्थर मत डालो, क्योंकि वो दांत में चबाने से वो दांत खराब होते हैं। फिर क्या हुआ कि तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को अदालत जाने से रोक दिया गया। कुछ बहस तकरार के बाद सबको अंदर जाने की इजाज़त मिल तो गई। जनाब रईसानी ने जब खुद को अकेला पाया तो बहुत गुस्सा आया और फिर खुद को ही सड़क पर बैठा पाया। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई मनाने ना आया, लेकिन एक पुलिस वाले को तरस आया जो उन्हें मना कर लाया। असलम रईसानी ने आज पहली बार ऐसा नहीं किया। जरा देखिए तो वो माजी में क्या कहते रहे हैं। डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। सर्दी होती है चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो, मार्च होता है चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। और वो खुद को वादिय इश्क का भोला शहजादा साबित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं जब गपशप करता हूँ तो लोग मेरे गपशप से लोगों को अच्छा लिखते। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से मैं नस्वार बेचूँ अच्छा है। Yeah.